many pieces up back together now. What's your vision? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हर क्रिएटर अपने हिसाब से अपने यूट्यूब को यूज करता है। वैसे तो सभी को सभी रूल और रेगुलेशन सभी पता है, कैसे अपलोड करते हैं वीडियोज, कैसे जो एडिटिंग करते हैं, कैसे क्या, हर चीज़ का हर किसी को पता है, टाइटल डालना, डिस्क्रिप्शन डालना, टेक्स्ट डालना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम गलत टाइम पे गलत चीज़ें अपलोड कर देते हैं। मान लीजिए आपकी कोई वीडियो है, आपका कोई टाइमिंग नहीं है वीडियो अपलोड करने का, कैसे आपको उस तरीके से जो है अपलोड करना है, तो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे जो है फुल वीडियो बना के बताऊंगा, कैसे जो है वीडियो को किस टाइम अपलोड करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं और क्या क्या जो है बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है एक वीडियो को अपलोड करते के टाइम। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने क्रिएटर स्टूडियो में, और सिंपली मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरा यहाँ पे होम पेज है। मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे इस तरीके से वीडियो को अपलोड करना है कि वीडियो रैंकिंग में आए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप यहाँ पे टॉप पे थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो राइट में, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ पे एक क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ही ऐसे एक इंटरफेस आएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको ये चार ऑप्शन मिलेंगे, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट और शेड्यूल। तो इसमें हमेशा आपको जो करके रखना है वो अनलिस्टेड करके रखना है, या फिर आप प्राइवेट करके रख सकते हैं। जब भी आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तब ये आपको अनलिस्टेड करना होगा। जब आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही आपको जो है ये पब्लिक करना होता है। तो सिंपली मैं वो फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे अभी यहाँ पे अभी अपलोड करनी है। तो मैं ये सिंपली यहाँ से अपनी फाइल उठा लेता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो है वीडियो यहाँ पे अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं यहाँ पे एक अच्छा टाइटल दे देता हूँ, फर्स्ट गिव अवे ऑन माय चैनल। और आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी अच्छा सा यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है अपनी मर्जी से अपना जो है टाइटल काफ़ी अच्छे से यहाँ लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये पहले ही डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये ऑलरेडी पहले से यहाँ लिखा हुआ है। आप यहाँ पे अपने जो है चैनल का लिंक दे सकते हैं, और कुछ भी आप यहाँ पे अपने जितने भी सोशल मीडिया लिंक हैं आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके वीडियो के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ डाल देना है, वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बच जाता है वो आपको दिखा देता हूँ मैं क्या करना है आपको। तो आपका सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका टैग स्पेस यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको जो है टैग डालने होते हैं, ये जो आपका टैग एरिया होता है यहाँ पे आपको जो है कम से कम टैग डालने हैं जो वीडियो के रिलेटेड हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चैनल गिव अवे, आपको अच्छे अच्छे टैग यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद आपको जो है एक कोमा लगा देना है, वो आपका टैग बन जाएगा यहाँ पे, और फर्स्ट गिव अवे ऑन माय चैनल, आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे टैग्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है, वो मैंने यहाँ पे अनलिस्टेड कर दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट में आप
जो आपने प्लेलिस्ट बनाई है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अपनी जो है ये वाली लिस्ट में यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो है थंबनेल भी चेंज कर सकते हैं। थंबनेल चेंज करने के लिए आपको जो है दोबारा एडिटिंग में जाना है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कस्टम थंबनेल का, जो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो आपने बना के रखा होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है एक। तो मैं अपना पिक्सल लैब ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ इसको जो है अपलोड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट तरीका आपको वीडियो अपलोड करने का ये है, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले वीडियो आपको जो है क्रोम में अपलोड करनी है। क्रोम में अपलोड करने के बाद आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से यहाँ पर आपको फिल कर देनी है, आपका जैसे थंबनेल हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया और टैग्स, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर डाल देनी है। आप चाहे तो यहाँ पर अपनी और भी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे आपका कार्ड्स हो गया, आपका एंड स्क्रीन, वो चीज़ें आप यहाँ भी जो है इंक्लूड कर सकते हैं, वो आप बाद में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे पहले ही डाल दें। तो यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग बता रहा है, ये बाद में भी अपडेट हो जाएगी, मैं इसको यहाँ से बाद में अपडेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तरीका था आपको वीडियो अपलोड करने का। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया वीडियो आपको कैसे अपलोड करनी है, क्रोम में जाके अपलोड करनी है, और क्या तरीका है वीडियो को अपलोड करने का। क्योंकि वीडियो अपलोडिंग टाइम आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से फिल कर देनी है, उसके बाद जो है आपकी वीडियो को आपको जो है अनलिस्टेड में ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया कम्प्लीट प्रोसेस कैसे आपको अपलोड करना है। अब आ जाता है कैसे, किस टाइम अपलोड करना है आपको। तो वीडियो अपलोड करने का सबसे बेस्ट जो टाइम होता है सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, और इवनिंग में 4 बजे से लेके वही रात के 8 या 9 बजे तक आप जो है अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर आपकी वीडियो को रैंकिंग में जाने के में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मान लीजिए अभी सब हर कोई फ़ोन लेके हाथ में बैठा रहता है, तो जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हैं आपकी वीडियो रैंकिंग में जाने के 100% चांस बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और